सच बताना, जो तुमने सोचा था क्या वही कर रहे हो? मुझे कमेंट में बताना। जो तुमने सोचा था क्या तुम उसी ट्रैक पे हो जैसा तुमने सोचा था? क्या वैसा ही चल रहा है सब कुछ जैसा आपने प्लान किया था? क्या वैसी ही चीज़ें हो रही हैं? मुझे कमेंट में बताओ। अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है बेटा? क्या हुआ ऐसा कि आपने अपने जीवन के लिए जो लक्ष्य साधा था, जो आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनोगे, आप ये परीक्षा निकालोगे, या कोई भी आपने जीवन में एक लक्ष्य साधा था, वो लक्ष्य से आप क्यों भटक गए बेटा? ऐसी कौन सी चीज़ आई आपके सामने जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य से भटका के चली गई, और अपने जीवन का सबसे पहला सबसे बड़ा लक्ष्य आप बीच में छोड़ के जीवन में किसी और चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हो? ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपके जीवन का कंट्रोल छीन कर अपने हाथों में ले लिया? ऐसी कौन सी चीज हुई बेटा जिसने आपके मस्तिष्क के ऊपर खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया? आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। मेरे जीवन का कंट्रोल हमेशा मेरे पास रहेगा। सबसे कीमती चीज जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? वो क्या चीज है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है? समय। पैसा अगर मेरी जेब में है, मैं खर्च ना करना चाहूं तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे बेरोजगार। जीवन निकल जाएगा फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरे। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए बेटा। इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। तो इस दुनिया में एक ही चीज कंफर्म है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही नियम है कि इस दुनिया का कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो यदि ये बात सत्य भी है कि हमारी किस्मत की लकीरें हाथों में हैं, तो उनको बदला जा सकता है। हो सकता हो, बुरा नहीं मानना आप, हो सकता हो मैं भी हुआ हूं, आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर यदि मैं उस गरीब घर में उस गरीबी के साथ ही मर जाऊंगा तो वहां मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। जिन माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ बाप ने मेरे लिए सब कुछ किया, बुढ़ापे में मैं उनको वो सुख नहीं दे पाया। आप नहीं चाहते बेटा कि जिस दिन आप 25 साल के 26 साल के हो, उस टाइम आपकी माताश्री अच्छे कपड़े पहने, उस दिन आपकी माताश्री एक अच्छी गाड़ी से चले, अच्छे सुख सुविधा उनको मिले, घर में आप एक इन्वर्टर लगवा पाओ कम से कम अपने, कि लाइट जाए तो पंखा चल पाए, माताश्री आपकी गर्मी में ना बैठे। अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी। और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेस आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी। आप में से जिस किसी को भी लगता है कि मेरी जिंदगी बदलने वाला बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आने वाला है, अगर बेटा आपको लग रहा है ना कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक समय आएगा, कुछ ऐसा होगा कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिस इंसान को भी लगता है ना कि उसकी जिंदगी कोई और बदलने वाला है, उस इंसान ने कभी आईना नहीं देखा है। आपकी जिंदगी सिर्फ एक व्यक्ति बदल सकता है, आप खुद। शीशे के सामने खड़े होना इस सेशन के बाद जाके, खुद से सवाल करना कि आपके जीवन का कंट्रोल किसके पास है,
खुद से सवाल करना कि 24 साल की उम्र में आप अपने घर वालों को सुख सुविधा देना चाहते हो या 24 साल की उम्र में आप फिर से इन्हीं कंपटीशन में फंसे रहना चाहते हो और किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पेपर लिखना चाहते हो। बस इतना पूछना। पढ़ाई करते रहें बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।